नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये लाइन बोले हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, बिकॉज मैंने जो अपना लास्ट वीडियो वो अपलोड किया था 31 मार्च को और आज हो चुकी है 23 अप्रैल, तो पूरे 23 दिन हो चुके हैं इसके बाद से मैं ये अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि इतना टाइम लग गया और एक बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आज 23 अप्रैल हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि इंडिया में इस समय माहौल चल रहा है लोकतंत्र का, और हम लोगों को सरकार चुनने का जो है वो मौका मिलता है 5 साल के बाद में, और अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज जो है 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होना है। तो उसी को चलते ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, और मैं अपने आज जो वोट डालने का वो है अधिकार बोलते हैं मताधिकार, उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं लोकसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सो काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा है कि वोट डालने जाना है आज पहली बार लोकसभा के चुनाव में। तो आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने मत का जो है वो इस्तेमाल करें और वोट डालने ज़रूर जाएं और एक बेहतर विकल्प को चुनें। और सभी युवाओं से और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, बहुत से लोग होते हैं कहीं दूर रहते हैं या फिर किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, अगर कोई ज़्यादा ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग जा सकते हैं तो ज़रूर अपने मत का इस्तेमाल करिए और एक जो बेहतर सरकार बनाने का आप लोगों को मौका मिलता है, और जो 5 साल में एक बार आप लोगों को ये मौका मिलने वाला होता है, तो उसका ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिए और एक अच्छी दिशा में अपने भारत को ले जाने का प्रयास करिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा, और आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम लोग अभी चलते हैं अपना जो आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं जा रहा हूँ वोट डालने गांव, और किस तरीके से क्या होने वाला है वो आप लोग देखते रहिए, इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये ब्लॉग आप लोगों को मिलने वाला है। तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं गांव में और जा रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ वोट डालने के लिए, और हमारे साथ में हमारे मित्र हैं ये आनंद शर्मा, और अभी आपको दिखाएंगे वोट डालने के बाद में वोट फॉर मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, जिससे जिसको भी डालना हो वो वहां डाल सकता है। और उससे पहले, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सपोर्ट करिए। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो और आगे आप लोगों को इसी टाइप के ब्लॉग्स मिलने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। टाइप थोड़ा होने वाला है चेंज, और मैं सोच रहा हूँ कि कैटेगरी को चेंज करूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, मैं आज आगरा से यहाँ वोट डालने आया हूँ, तो मेरे रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी लोग जहाँ भी हों अगर उन्हें टाइम मिले तो वो वोट डालने जरूर जाएँ, ये आपका अधिकार है। तो चलिए अभी वोट डालते हैं और उसके बाद में मिलते हैं आपके साथ, तब तक आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और ये देखिए गांव के प्राइमरी स्कूल पर पढ़ रहे हैं वोट, और पीछे ये पोलिंग बूथ है हमारे, और अभी चलते हैं यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कर चुके हैं मतदान, और ये देखिए आप लोग इंक लग चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है पहली बार लोकसभा चुनाव का मतदान करके, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ पर भी अभी मतदान होने को रह गया है, सभी लोग अच्छी संख्या में पहुँच कर अपने भारत को एक अच्छी दिशा में लेके जाएं और एक अच्छे विकल्प को चुनें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें एक इस मुहिम में, और एक अच्छी सरकार जो 5 साल में हम लोगों को मौका मिलता है चुनने मदद, उसमें अपना योगदान दें। सो आज का ब्लॉग लगभग कम्प्लीट होने जा रहा है, और अभी हम लोग वापस जाएंगे और इनको जाना है आगरा, और हम अपने वापस अपने शहर जाएंगे। सो बस यही था आज का ब्लॉग, और चलिए चलते हैं। थैंक यू।